तो अभी मैं जैसे ड्राइव कर रहा हूँ, ये है टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन। टाटा ने अपना पूरा पूरा बकायदा लाइनअप लॉन्च करा था, जिसमें टाटा ने हैरियर को और सफारी को और एक एल्ट्रॉस को जो है डार्क एडिशन में लॉन्च करा था। तो जैसा कि आप इसका अंदर से भी देख सकते हैं, पूरी डार्क है, इसमें पूरी डार्क की फिनिशिंग दी गई है, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग का आपको इसमें टच मिल जाता है। तो अभी मैं बस गाड़ी को जल्दी से पार्क कर लेता हूँ और आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। ऑटोमेटिक वेरियंट है ये, जो कि टॉप मॉडल था। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ा है टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन। मतलब आप सामने से इसका एक बार लुक देखिए, कितना मस्कुलर और अच्छा सा इसका लुक आता है सामने से। और ये इसमें जो भी डार्क एडिशन है, इसमें सब कुछ आपको ब्लैक मिलता है, इसमें कोई भी किसी और कलर का टच होता ही नहीं है। बस एक कलर का टच होता है, वो है ये ग्रे कलर, और ये कि टाटा का लोगो जो है, ये आपको क्रोम मिल जाता है। बाकी इसमें आगे से मतलब पूरा ब्लैक मिलती है, ये गाड़ी इंटीरियर तक इसका ब्लैक होता है। तो इसके जैसे लाइट आप देखो, सबसे बेहतरीन चीज़ की आपको बताऊँ तो ये जो DRL है ना इसके, ये DRL बहुत अच्छे लगते हैं जलते हुए। और इसके जो है ये DRL दो काम करते हैं, तो ये DRL होते हैं और ये इंडिकेटर का भी जो है काम करते हैं। और जब ये जलती है ना, काफ़ी मतलब अच्छी दिखती है ये जलते हुए। अभी जो है मैंने इसकी लाइटें ऑन कर दी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हैलोजन आपको लैंप मिल जाते हैं। ये हाई बीम पे काम करता है और ये जो है लो बीम पे काम करता है। नीचे आपको जो है फॉग लैंप देखने को मिल जाता है, ये भी हैलोजन है। तो फ्रंट से इसका कुछ ऐसा सा लुक आता है और आप इसके जो है देख सकते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पे बीच में टाटा का लोगो। इस साइड की बात करें तो आपको सेम चीज़ें जो है देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, जिसका टायर रेशियो है 215/60R16। 16 इंच का आपको जो है इसमें टायर देखने को मिल जाता है। टायर रेशियो ये दिया गया है। यहाँ पर डार्क की बैजिंग दी गई है, जो कि पिन्नी से कवर हुई पड़ी है, बिल्कुल क्रोम फिनिश में मिलती है ये आपको। और ये इसका मिरर है, जो कि फोल्ड और अनफोल्ड फीचर के साथ आता है। अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये भी जो है अनफोल्ड हो जाता है, और अगर आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये जो है फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है डोर हैंडल जो है वो ब्लैक कलर का ही मिलता है। यहाँ से एक जो है ग्रे कलर की लाइन जो है ये पूरी पीछे तक जो है कंटिन्यू होती है। यहाँ पर आपको जो है फ्यूल का भरने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी सेम अलॉय आपको मिल जाता है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, आगे जो है डिस्क ब्रेक दिया गया है। वैसे काफ़ी गंदी हो रही है गाड़ी, तो उसका पता है डार्क एडिशन, तो इतना नज़र आ नहीं रहा हमें, ग्रे ग्रे सा लग रहा है, इतनी गंदी हुई पड़ी है इस टाइम। और यहाँ पे आपको जो है रूफ रेल्स मिल जाती हैं, जो कि सिल्वर कलर में दी गई है। बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको बूट का कुछ ऐसा सा लुक आता है, तो उस साइड से जो है धूप का रिफ्लेक्शन आता, तो मैंने भी जो है गाड़ी घुमा के खड़ी कर दी है। पीछे से आप जो है इसका चेकआउट कर सकते हैं, लुक कैसा दिखता है। इसकी टेल लैम्प की बात करें तो आपको जो ये लाल वाले हैं सिर्फ, जो ब्रेक वाली लाइटें होती हैं वो ही आपको जो है LED देखने को मिलती है, जैसे मैंने अभी जला के दिखा दिया आपको। जो है इंडिकेटर है और जो रिवर्स पार्किंग लाइट है, वो आपको LED नहीं मिलती, वो आपको जो है हैलोजन ही मिलती है। नीचे से बात करें तो यहाँ पे आपको जो है दो रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इस साइड जो है रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बूट को ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरे की जो है प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इस साइड जो है इसका रियर वाइपर दिया गया है, और यहाँ पे आपको डिफॉगर भी मिल जाता है, और यहाँ पे वोकल फॉर लोकल की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि टाटा अब जो है अपनी हर गाड़ी में ही वोकल फॉर लोकल का स्टिकर जो है छाप रही है। तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें जो है 5-स्टार रेटिंग मिली है टाटा नेक्सॉन को, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है 210 mm की, इसमें आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप इसे ऑफ रोडिंग में भी थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, पर भाई हकीकत में यहाँ से देखने में मैं बताऊँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया जो है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अभी फटाफट से जो है इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करते हैं तो बस ये ऊपर को आ जाती है, पर आपको जो है इसे पूरा पुल करना पड़ता है जब ये जो है खुलती है। अंदर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो है पार्सल ट्रे ऑफर करी गई है। नीचे बूट स्पेस की बात करूँ तो 350 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको बूट लैंप भी दिया गया है इस जगह पे। और ये जो पंचर किट है, ये टाटा अपनी हर गाड़ी में दे रही है पंचर किट को। 60/40 का भी जो है आपको इसमें सीट में फीचर देखने को मिल जाता है, कि आप सीट को जो है थोड़ी सा रिक्लाइन कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के लिए। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड डोर हैंड, यहाँ पर हैंडल दिया गया है इसे बंद करने के लिए। तो अब मैं जो है इसके सीधा ड्राइविंग सीट की तरफ चलता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे ऑफर करा जाता है, और रिक्वेस्ट सेंसर दबाते ही जो है ORVM अनफोल्ड हो जाते हैं। तो भाई ड्राइविंग डोर आप जैसा कि देख सकते हैं पूरा मैट ब्लैक दिया गया है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की भी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पर वन टच अप डाउन का जो है सिर्फ ड्राइविंग साइड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे चाइल्ड अनलॉक और लॉक का बटन है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का जो है आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, ये लॉक अनलॉक का बटन। नीचे की साइड आपको जो है कप होल्डर, वो बोतल होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस हिसाब से फोल्ड अनफोल्ड और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, एडजस्ट तो हो ही रही है ये। तो भाई ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लुक मिलता है, और अंदर का भी यहाँ से कुछ ऐसा आता है। पूरी डार्क जो है इसमें फिनिशिंग दी गई है, यहाँ तक कि जो रूफ है इसकी, जो सनरूफ है ये भी, मतलब इसका कवर भी जो है वो डार्क दिया गया है। छत भी जो है आपको डार्क देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये, और इसमें आपको जो है कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो ऐसी कुछ इसकी की है, वो तो मैंने आपको दिखाई दी। तो यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन है। अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, तो इग्निशन इसका ऑन हो चुका है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मीटर में भी कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मोड भी पता चलते रहते हैं कि गाड़ी अभी कौन से मोड पे है। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ये जो है बोल के भी बताती है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ये जो है काफी सारे आपको जो है फीचर्स दे देती है। और यहाँ पे आपको जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं ये सारे इसे कंट्रोल करने के लिए हैं, और ये जो कंट्रोल्स हैं इसका क्रूज कंट्रोल है। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ऑटो का फंक्शन जो है फीचर आपको नहीं मिलता हेडलाइट पर रेन सेंसिंग ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑटो का फीचर तो मिल जाता है रेन सेंसिंग वाइपर में, पर ऑटो आपको हेडलाइट जो है देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ की बात करें तो ये इसका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है, हल्का सा मैं कहूँगा कि हल्का सा लैग टाइप सा है इसमें। एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आपको जो है इसमें वायरलेसली कनेक्ट करने को मिल जाता है। 8 इंच का आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। नीचे आपको जो है एसी विंड्स के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे हज़ार लाइट ऑन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग लिखी हुई है, नेक्सॉन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये पूरी जो है पियानो ब्लैक की आपको फिनिशिंग आगे तक देखने को मिल जाती है। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाता है, ऑन हो गया, ये भी बंद कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे आपको जो है एसी के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक तो बूट ओपन करना है अगर आपको, तो यहाँ से आप बूट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको गाड़ी को अनलॉक और लॉक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। गाड़ी अभी लॉक हो गई, तो ये एक फीचर यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट दिया गया है। अगर आप इसे दबाते हैं तो एक्सप्रेस कूल का ये जो है फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है। इसे प्रेस करते ही जो है सारे बस यही वाला शीशा जो है रोल डाउन हुआ है। तो इसे प्रेस करते ही सिर्फ ये वाली जो विंडो है ये रोल डाउन हुई है, बाकी कोई सी भी जो है विंडो रोल डाउन नहीं हुई, सिर्फ यही वाली विंडो रोल डाउन हुई। और सारे मतलब एसी तो ऑन नहीं होता, पर ये हवा फेंक लग जाती है और सिर्फ ये विंडो जो है रोल डाउन हो जाती है, मतलब यही होता है। इसका मैं इसे बंद करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है नीचे की साइड कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है, जो कि 12 वोल्ट का यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है, और यूएसबी पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सही है कि आपको यूएसबी पोर्ट और चार्जिंग सॉकेट दोनों देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ़ोन तो आप अच्छे से आसानी से मतलब नहीं रख पाओगे, पर हाँ मतलब छोटे फ़ोन रख सकते हैं भाई, पर इतनी आसानी से जो यहाँ पे फ़ोन नहीं रखे जा सकते। इसका गियर नॉब है जो कि ऑटोमेटिक है, मैनुअल में भी आपको ये मिल जाती है। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, यहाँ पे इसके जो है मोड आपको देखने मिल जाते हैं, सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। अगर आप इसे चेंज करते हैं सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ये मतलब बोल के बताती है कि आपने कोई मोड चेंज करा है। और यहाँ पे आपको इसका आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल नहीं है, पर हाँ अच्छा दिखता है ये काफ़ी। और यहाँ पे कुछ शटर टाइप का दिया गया है, तो काफ़ी डीप जो है यहाँ पे आपको जो है स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ये कुछ बोतल होल्डर टाइप यहाँ पे हुक बना रखे हैं दो, तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये वैसे। और यहाँ पे आपको जो है लेदर की स्टिचिंग देखने को मिल जाती है आर्म रेस्ट में। ये इसका हैंड ब्रेक दिया गया है, जो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वगैरह नहीं है, ये आपको मैनुअल ही मिलता है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। इसे ओपन करें तो एक्सटेंड तो ये नहीं होता, और इतनी जो है स्पेस ये अभी छोड़ देता है, साथ ही साथ एक्सटेंड भी जो है ये नहीं होता। लग जा भाई। और यहाँ पे आपको जो है मैनुअल आईआरवीएम देखने को मिल जाता है, हालांकि ये टॉप मॉडल है, पर यहाँ पे आपको जब भी मैनुअल ही आईआरवीएम मिलता है, ऑटोमेटिक या फिर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एलईडी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे ये जो है इसके सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। सनरूफ के हर एक चीज़ के जो है अलग कंट्रोल दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बटन से, जैसे हुंडई वगैरह में आता है वेन्यू में और क्रेटा में, कि एक ही बटन से सारा कंट्रोल हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर इससे आप इसे ओपन कर सकते हैं, इससे आप इसे जो है क्लोज कर सकते हैं, और इससे जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाती है, जैसा अभी कि आप पीछे से देख सकते हैं, ऐसे ये खुल जाती है, और इसे आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है। तो ऐसा खुलने से क्या है कि मतलब वेंटिलेशन सा बना रहता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई काफ़ी डीप आपको यहाँ पे जो है ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, उसमें साथ ही साथ एक बूट लैंप भी दिया गया है, और ये कोल्ड ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे आपको कुछ पार्सल ट्रे टाइप से देखने को मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। तो ऊपर की साइड आप जो है मतलब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख लो, और यहाँ पे कुछ सामान रखना हो तो सामान रख लो। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, और ये पूरा सॉफ्ट क्लोज है, सॉफ्ट क्लोज नहीं सॉफ्ट ओपन है, काफ़ी आराम से खुलता है। और यहाँ पे आपको जो है लाइसेंस वगैरह रखना हो, कोई भी छोटे जैसे आधार कार्ड वगैरह होते हैं वैसे डॉक्यूमेंट रखने हो, तो वो भी आप यहाँ पे जो है रख सकते हैं। तो भाई आगे से इसके कुछ इतनी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो ये सीट्स हैं, इस पर आप देख सकते हैं कि ट्रायरो का कुछ डिज़ाइन दिया गया है। अभी जो है मैं इसकी पिछली सीट की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि डोर हैंडल यहाँ का भी ब्लैक ही दिया गया है। अभी जो है गाड़ी आवाज़ कर रही है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो है इग्निशन अभी चालू छोड़ दिया है। की नॉट फाउंड बता रही है भाई ये। अब मैंने इग्निशन बंद कर दिया तो ये आवाज़ करना जो है बंद कर देगी। यहाँ के डोर की बात करें तो ऐसा कुछ आपको इसका डोर का लुक देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर बैठता हूँ मैं।
तो काफ़ी कंफर्टेबल जो है इसकी सीट है, पिछली वाली और आगे वाली भी, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है भाई बिल्कुल। और यहाँ पे आपको लेग स्पेस की बात करूँ तो पिन नहीं दिख रही होगी, तो इतना कुछ आपको जो है यहाँ पे लेग स्पेस मिल जाता है, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही बैठने में, बहुत ही सही दिया गया है। और मुझे लग रहा था ये जो है चार्जिंग सॉकेट दिया हुएगा यहाँ पर ये सिर्फ कुछ कवर सा ही दे रखा है, ब्लॉक कर रखा है भाई ऐसे, यहाँ पे कुछ कवर आपको जो है चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखने को नहीं मिलता। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, नीचे तो कुछ नहीं है। और अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपको हम्प दिया गया है, पर मतलब तीसरा बंदा अगर बैठेगा तो उसे जो है पक्का ये फील होएगा, दिक्कत हो सकती है उसे थोड़ी बैठने में। यहाँ पे आपको जो है कुछ टांगने के लिए मिल जाता है कि आप पिन्नी वगैरह या फिर कुछ अपना टांग सकें। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल जो है हाइट रेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दिया गया है जिसको कि अभी पिन्नी में पूरा कवर पैक हुआ पड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये आपको जो है आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे भाई बैठने में। और दो कप होल्डर्स, बोतल होल्डर्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी सही हाइट पे जो है ये दिया गया है। पर तीसरा बंदा बैठा होगा तो भाई आप इसे जो है खोल तो नहीं सकते। तो ऐसा कुछ यहाँ से जो है कैबिन का लुक आता है, काफ़ी प्रीमियम दिखती है ये कार जो है अंदर से। और सनरूफ को अगर मैं ओपन करूँ तो अच्छा, अभी इग्निशन ऑन नहीं है। जैसे सनरूफ ओपन हो गई तो भाई पीछे वाले बंदे को बैठने में काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे सनरूफ भी ओपन है, इस साइड बैठ के आपको अगर दिखाता हूँ तो कैबिन का व्यू भाई कुछ ऐसा आता है। और ऊपर अगर सनरूफ खुली हो तो आहा हा, बात ही क्या है भाई, मज़ा ही अलग आता गाड़ी में बैठने में। अभी जो है ये चिल्लाने लगेगी कि की नॉट फाउंड, की नॉट फाउंड। देखो देखो भाई आवाज़ करने लगी की नॉट फाउंड, जैसे मैं गेट खोलूँगा तो आप देखना बोलेगी। बोला तो नहीं इसने, पर ये इसीलिए आवाज़ करती है क्योंकि इसको की नहीं मिलती। सीट्स पे भी जो है यहाँ पे आपको जो है डार्क देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डार्क लिखा हुआ है इस साइड भी, और इस साइड भी जो है डार्क लिखा आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे मैं इसके एसी के ब्लोअर को अगर कंट्रोल करूँ तो यहाँ पे भी जो है ये शो करता है कि आप कुछ क्या चेंजेस कर रहे हैं टेम्परेचर वगैरह में। और अब मैं फ़ैन स्पीड चेंज करूँ तो वो भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अभी जो है इग्निशन इसका बंद, अभी इसका इग्निशन बंद करके मैं इसका सीधा बूट खोल लेता हूँ, बोनट खोल लेता हूँ बूट ही। तो बोनट खोलने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और बोनट ओपन करते हैं अब इसका। भाई भाई मेरे से तो टाटा गाड़ियों का बोनट ही ओपन नहीं होता, इतना भारी दिया जाता है ये। साथ में एक हाथ में फ़ोन और होता है तो ये खुलता वैसे भी नहीं है। मैं एक मिनट इसे खोल के फिर आता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको इसका जो है इंजन देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं गाड़ी कितनी गंदी हुई पड़ी थी, पर इंजन देखो भाई इसका क्या चमचमाता हुआ है। तो 1.5 लीटर का आपको इसमें डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। पेट्रोल की बात करूँ तो आपको इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। डीजल इंजन जो है इसका 110 पीएस की पावर निकालता है और 260 एनएम का टॉर्क निकालता है। कंपनी जो इसका क्लेम माइलेज करती है वो है 22 का इसका कंपनी क्लेम माइलेज करती है 22। और भाई इंजन नॉइस इसके में इतनी ज़्यादा है ना, मैं आपको अभी इसे बंद करके एक बार इसकी इंजन नॉइस सुनाता हूँ। और इसमें दो चीज़ें भी जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इंजन नॉइस मैं भी आपको सुनाता हूँ। और इसका जो रिक्वेस्ट सेंसर है सिर्फ आपको जो है इस साइड मिलता है, उस साइड पैसेंजर साइड आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। एक चीज़ और देखो भाई, इंजन नॉइस तो मैं भी आपको सुनाऊंगा ही, पर एक चीज़ देखो कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये MID की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके जो जितने भी कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका क्रूज़ कंट्रोल है, इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये आपको ये नॉब ही दबाना पड़ता है, इसका जो ये छोटा सा नॉब दे रखा है यहाँ पे। तो भाई ये चीज़ थोड़ी अपडेट होनी चाहिए कि यहाँ पे भी कोई कंट्रोल वगैरह देने चाहिए, ये तो काफ़ी ऑड लगता है कि इसे कंट्रोल करके आपको पूरी MID जो है वो कंट्रोल करनी है। अब मैं इंजन को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इंजन तो चालू हो चुका है और इंजन नॉइस इसकी काफ़ी ज़्यादा है भाई, काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इसमें इंजन नॉइस देखने को मिल जाती है। एक बार मैं आपको बाहर निकल के दिखाऊँ कि इसमें कितनी इंजन नॉइस दे रखी है, मैं इसे न्यूट्रल पे कर देता हूँ। तो भाई ये देखो कितनी आपको इसमें जो है इंजन नॉइस देखने को मिल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि शांत खड़ा रहता है, डीजल इंजन है, डीजल इंजन खैर आवाज़ तो करता है, पर भाई टाटा का इंजन है तो आवाज़ करेगा ही। पेट्रोल वेरिएंट जो है इसका, उसकी भाई मुझे पता नहीं कि वो आवाज़ करता होगा या नहीं करता होगा। एक बार मैं इसके जो है मोड चेंज करके देखता हूँ, जैसा कि अभी ये स्पोर्ट ड्राइव मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। भाई इंजन नॉइस आप एक बार चेकआउट करो, कितना इंजन नॉइस है भाई इसमें, मतलब शांत तो गाड़ी चलती नहीं है। माना कि भाई टाटा का इंजन है पर इतनी कैबिन नॉइस का भाई क्या करना है। मैं रिवर्स में डालते जो है इसका पीछे कैमरा ऑन हो जाता है, और गाइडलाइंस के साथ आपको जो है ये कैमरा देखने को मिलता है। और
ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है ना मुझे कभी समझ नहीं आता, मैनुअल जो है कम से कम अपने हाथ में तो रहती है, पर ऑटोमेटिक जो है मेरी समझ से बाहर है, मुझे अच्छी नहीं लगती ऑटोमेटिक बिल्कुल भी। और भाई बॉडी रोल वगैरह जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी रोल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अभी मैं जो है इसे पार्क करके दिखाता हूँ आपको, इंजन जो है इसका बंद कर देते हैं हम। तो भाई फाइनल लुक आप एक बार चेकआउट कर लो गाड़ी का। तो यही था टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन का फुल रिव्यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।